भारतीय ट्रेन में टिकट बुक करने के लिए IRCTC की वेबसाइट का सबसे ज्यादा उपयोग होता है, लेकिन अब IRCTC के एक कदम के बाद कुछ यूजर्स हैं जो इस साइट के माध्यम से टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। ऐसे में उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। IRCTC की वेबसाइट से रोजाना लाखों लोग ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं। पिछले साल ही IRCTC की वेबसाइट को अपग्रेड करके ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाया गया था। वेबसाइट के यूजर फ्रेंडली बन जाने की वजह से ज्यादातर लोग ऑनलाइन टिकट बुक करने लगे हैं। इसकी वजह से रेलवे रिजर्वेशन सेंटर पर लगने वाली भीड़ में भी कमी आई है। IRCTC के जरिए टिकट बुक करने वाले यूजर्स अपना टिकट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए करते हैं। इसके लिए या तो वो डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं। ये सभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सुरक्षित हो सके इसके लिए IRCTC की वेबसाइट को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए इसे TLS 1.2 पर माइग्रेट किया गया है। यही वजह है कि विंडोज XP और विंडोज सर्वर 2003 जैसे पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर यह वेबसाइट काम नहीं करेगा और यूजर्स टिकट नहीं बुक कर पाएंगे। अगर विंडोज XP यूज कर रहे लोगों को IRCTC के जरिए ऑनलाइन टिकट बुक करना है तो उन्हें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करना होगा।